रेस टू IAS में आपका स्वागत है। बहुत लोग हमारे बीच ऐसे रहे होंगे जिन्होंने सिविल सर्विस का सपना देखा होगा, आज भी देखते हैं और आगे भी देखेंगे। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो इस सिविल सर्विस को ना पाने का जो दुख है वो भुगत चुके हैं। उनका वो एक सपना सिर्फ एक सपना ही बन के रह गया। कई कारण हैं, ये तो हो सकता है कि या उनको ये लगा हो कि उनमें उतना दिमाग नहीं, या उन लोगों में उतनी काबिलियत नहीं, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे परिवार में से तो कोई भी सिविल सर्विस का नहीं है तो हमें कैसे मिल सकता है। ऐसे कई गलतफहमियों के बाद जब हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत किया, कई बच्चों से बातचीत किया, तो हमें ये लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे बच्चों को, जो कि अगले जो जनरेशन, इस जो ये जो जनरेशन है, वो जो आगे जाकर उनको ये लगे कि नहीं, हम में ज़रूर ये काबिलियत है। क्योंकि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को पास करने का दिमागी तरफ से नहीं ज़्यादा, बल्कि आप दुनिया को कितना समझते हो, उसके बारे में कितना जानते हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। और इसीलिए हमने एक मॉडल सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करवाई। हमारी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में पहली बार, भारत के बच्चे जहां पर भी हैं उन तक एक एग्ज़ाम के रूप में इस सिविल सर्विस को पाने का रास्ता दिखा रहे हैं, और वो रास्ता है जूनियर मॉडल सिविल सर्विस एग्ज़ाम का। हम लोगों ने ये 7वीं क्लास से बच्चों से लेकर आगे 12वीं क्लास हो या उसके आगे भी, जब तक आप एक सिविल सर्विस लिखने के काबिल नहीं बन जाते तब तक आप हमारे साथ रजिस्टर करके ये एग्ज़ाम लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप लोगों ने पहले ही सुना होगा, जिस चीज़ की हम ज़्यादा तैयारी करते हैं वो हमें ज़रूर कामयाबी लेकर आती है हमारी ज़िंदगी में। तो बस हमने यही सोचा, क्यों ना इन बच्चों को ये जो एक मैसेज हम दे सकें, ये संदेश हम दे सकें कि उनमें भी वो काबिलियत है, कि वो लोग एग्ज़ाम लिखकर प्रैक्टिस करें और अभी से, इस छोटी उम्र से लेकर, एक सिविल सर्विस बनने का सपना देख सकें, एक सपना जो वो ज़रूर पूरी कर पाएंगे। सोच के देखिए, 7वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची या एक बच्चा अगर ये एग्ज़ाम हमारे साथ लिखता है या लिखती है, तो वो अपने सिविल सर्विस के लिखने तक, जो एक्चुअल एज है, जब तक वो डिग्री ना पार कर ले, उस उम्र तक पहुंचने तक कम से कम 10 बार इस परीक्षा को लिख चुके होंगे। सोच के देखिए कितना हौसला होगा उनको, उनके आगे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को लिखने का। तो बस इसी सपने को हम पूरा करने के लिए, जिस तरीके से सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लिखा जाता है, बस उसी तरीके से हम लोगों ने इन बच्चों को प्रैक्टिस दिलाना है। अर्थात वह पहले हमारे साथ रजिस्टर करके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिखेंगे, उसको क्रॉस करने के बाद वो लोग मेंस का एग्ज़ाम लिखेंगे, और उसके आगे उन लोगों को इंटरव्यू तक लेके जाएंगे। तो जब ये 3 स्टेजेस ये लोग पार करेंगे, इनको पता चलेगा कि किस तरीके से उनका सपना पूरा हो सकता है। और इसके लिए रेस टू IAS ने तैयार किया है एक मोबाइल ऐप, जूनियर IAS। इस मोबाइल ऐप के थ्रू इन बच्चों को सब तरीके के दुनिया भर का जो न्यूज़ है, समाचार, अपडेट्स उनको मिलते रहेंगे उस ऐप के थ्रू। और हम ये चाहते हैं कि वो लोग सिर्फ एक दिन में 20 मिनट से ज़्यादा टाइम उसके साथ ना गुजारें। माता पिता से दरख्वास्त है कि जब वो इस ऐप को लेकर बैठे हों तो उनके साथ बैठिएगा, 20 मिनट से ज़्यादा उनको बिल्कुल इस चीज़ के लिए टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो 20 मिनट में उनको दुनिया भर के बारे में, जो समाचार पत्र में जो उन्हें जानना चाहिए, वो सब समाचार उनको मिलते रहेंगे। उसके अलावा उसमें क्विज आता है, पजल्स आते हैं, पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रश्न उत्तर जो हैं, वो प्रश्न पत्र भी उसमें आते हैं, वो सब वो लोग उसको उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से वो मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम लोग महीने में एक बार एक सक्सेस प्रीएम्बल करके एक किताब का भी हम लोग उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं,
उन बच्चों को जब वो किताब मिलेगा तो वो किताब से वो आज के लिए ही नहीं, इस सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, किसी भी आगे जाकर किसी भी तरीके का जो एग्ज़ाम वो उनको पार करना है उसके लिए वो लाभदायक होगा, उसका वो इस्तेमाल करके उसमें से वो पढ़ सकते हैं। तो रेस टू आईएएस का साथ देंगे, मैं ये भरोसा करती हूँ। मैं रेस टू आईएएस के ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर हूँ और उसी ओहदे के साथ मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ, आप भी अपने बच्चों को सपना देखना सिखाएं। शायद आपके भी मन में एक बार ये आया होगा कि 31 उम्र या जो पार कर लिया है तब तक हमने शायद ये एग्ज़ाम हम कभी लिख नहीं पाए। कारण आप लोग ही जानते होंगे, हमारे बच्चों को ये एक जो सिखाव है वो हमें देना है कि भारत के लिए, भारत के नागरिक होकर अगर एक डिग्री पार करने के बाद एकमात्र ऐसी परीक्षा जो सब इंडियंस, सब भारतीय लिख सकते हैं वो है सिविल सर्विस। अपने बच्चों को भी इसके लिए सिखाइए, उन बच्चों को भी आगे आने दीजिए, उनको भी सपना देखने दीजिए। हम साथ देंगे आपका, आप हमारा साथ दोगे, इस भरोसे के साथ रेस टू आईएएस के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।